नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सैलरीड टैक्स पेयर अपना आईटीआर 1 इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे सबमिट करें, ऑनलाइन कैसे फाइल करें। अब इसके लिए टैक्स पेयर को इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद यहाँ एक ई फाइल वाला ऑप्शन है, इसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है, यहाँ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ असेसमेंट ईयर 2023-2024 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ ऑनलाइन मोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ एक स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें स्टेटस सिलेक्ट करना होता है, यहाँ इंडिविजुअल के ऊपर टिक रहेगा, यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होता है। अब हम आईटीआर 1 फाइल करने वाले हैं तो यहाँ आईटीआर 1 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसीड विथ आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का रीजन सिलेक्ट करना होता है तो यहाँ हम टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल दिखाई देंगे, इन अलग अलग शेड्यूल्स को हमें अब भरना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यह हमें टैक्स पेयर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। इस इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ चेंजेस करना है तो यह कर सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होता है, इसके अंदर हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर्स की केस में पेंशनर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ अदर्स का ऑप्शन है और नॉट अप्लीकेबल वाला ऑप्शन। अगर सैलरी की इनकम नहीं है या फैमिली पेंशन मिलती है तो इस नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ फाइलिंग सेक्शन दिखाई देगा, रिटर्न ड्यू डेट के पहले अगर फाइल करते हैं तो यहाँ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के ऊपर टिक करना होगा। अगर यहाँ न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट करना है तो इसे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा, हम नो कर देंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ बैंक की डिटेल्स दिखाई देगी, अगर इस बैंक डिटेल में कुछ चेंजेस करना है तो उसे चेंज कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ हमें किस बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए उसे सिलेक्ट करना होगा, तो इसे हमने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम वाला शेड्यूल भरना है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें सैलरी से मिलने वाले एग्जम्पशंस को सिलेक्ट करना होगा, जो भी एग्जम्पशन हम क्लेम करने वाले हैं उसे यस करना होगा, अगर एग्जम्पशन नहीं क्लेम करने वाले हैं तो इसे नो करना होगा। अगर एचआरआई क्लेम करने वाले हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब हमें यहाँ इनकम की डिटेल्स भरनी होगी, तो यहाँ सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है तो यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ अब हम ग्रॉस सैलरी एंटर कर देंगे। अगर कोई परक्विजिट्स मिला है तो यहाँ लिखना होगा, प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी मिला है तो यहाँ लिखना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, अगर कोई एग्जम्प्ट अलाउंस क्लेम करना है तो यहाँ उस एग्जम्प्ट अलाउंस को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उस अलाउंस की अमाउंट यहाँ एंटर करनी होगी। इसके बाद हमें यहाँ नेट सैलरी दिखाई देगी, इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी 6,00,000 दिखाई देगी। इसके बाद हमें इसे सेव करना है। इसके बाद हमें यहाँ हाउस प्रॉपर्टी इनकम की डिटेल्स भरनी होती है तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमने हाउसिंग लोन के लिए जो इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन क्लेम करना है तो यहाँ हम टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हम सेल्फ ऑक्यूपाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो हाउसिंग लोन के लिए हमने पूरे साल भर के अंदर जो इंटरेस्ट पे किया है उसकी अमाउंट यहाँ लिखनी होगी तो उसे यहाँ लिख देंगे और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल्स भरनी होगी,
तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें इनकम सोर्सेज के कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जिस भी सोर्स से टैक्सपेयर को इनकम है उसे यहाँ एस करना होगा। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट का है, तो इसे एस करेंगे ई, और यहाँ सेविंग अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट के अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद अगर फिक्स डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसे यहाँ एस करना है और उस इंटरेस्ट के अमाउंट यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसे एस करना होगा और उसकी अमाउंट लिखनी होगी। यहाँ कई सारे ऑप्शन है। अगर फैमिली पेंशन मिलती है तो उसे यहाँ एस करना होगा, उसकी अमाउंट लिखनी होगी। डिविडेंड अगर मिला है तो यहाँ डिविडेंड इनकम वाला ऑप्शन है, यहाँ एस करना होगा और लिखना होगा। और इसके अलावा अगर कोई इनकम होती है तो यहाँ एस करना होगा और उसकी अमाउंट लिखनी होगी। इसके बाद यहाँ नीचे आना है और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ नीचे आना है और यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने ग्रॉस टोटल इनकम वाला शेड्यूल भी एंटर कर लिया है। अब हमें टोटल डिडक्शन वाले शेड्यूल को भरना होगा, यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें चैप्टर 6A के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शंस को क्लेम करना होगा। तो यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जिस भी सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करना है उसे यस करना है और उसके बाद उसकी अमाउंट लिखनी होगी। हम यहाँ नीचे आएंगे, यह सेक्शन ATC दिखाई देगा, यह एस करना होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखनी होगी। सेक्शन 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम इंश्योरेंस का डिडक्शन क्लेम करने के लिए एस करना होगा और उसकी अमाउंट लिखनी होगी। यह सेक्शन 80DTA के अंतर्गत सेविंग बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो इसे एस करके उसकी अमाउंट एंटर करनी होगी। इसके लिए अलग से शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जाके एंट्री करनी होगी। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम नीचे आएंगे, सेक्शन 80D के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए हमें यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि टैक्स पेयर या टैक्स पेयर का कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर है तो यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। इसके बाद यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट लिखनी होगी। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से डिडक्शन लेने के लिए यहाँ ऐड ATTTA के ऊपर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है, तो यह हम 10,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो जितना मिला है उतना हमें क्लेम करना होगा। इसके बाद यह ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ टैक्स पेड वाले शेड्यूल पर क्लिक करना होगा। यहाँ हमें सैलरी पर या सैलरी के अलावा जो भी टीडीएस कटा है उसकी डिटेल्स भरनी होती है। अगर टीडीएस कटा है तो उसकी डिटेल एनुअल इंफॉर्मेशन में से यहाँ ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाती है। उसके बाद हमें नीचे आना होता है, यहाँ अगर कोई एडवांस टैक्स भरा है तो उसकी डिटेल्स भी भरनी होती है और उसके बाद यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ टोटल टैक्स लाइबिलिटी वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना होता है। अब यहाँ हमें कंपटीशन ऑफ इनकम दिखाई देगा, इसके बाद नीचे कंपटीशन ऑफ टैक्स दिखाई देगा, उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ हमें रिबेट मिल रही है 8,750 की। सेक्शन 87A के अंतर्गत टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो 12,500 रुपये तक टैक्स रिबेट मिलती है, जो कि हमें यहाँ मिल रही है। इसके बाद हमें नीचे आना होगा। अब इस रिटर्न के अंदर कोई टैक्स पेबल नहीं है, अगर टैक्स पेबल होता तो उसके चालान हमें भरनी होती। उसके बाद हम यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस ITR फॉर्म के सारे शेड्यूल्स हमने भर लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फिर से हमें यहाँ कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम दिखाई देगा, कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल दिखाई देगा, अगर कोई अमाउंट पेबल है तो उसे भरनी होगी, अगर कोई रिफंड है तो यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद हमें यहाँ प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ वेरिफिकेशन बॉक्स दिखाई देगा, हमें इस बॉक्स के ऊपर टिक करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारा ITR 1 का फॉर्म दिखाई देगा, इसे हमें एक बार चेक कर लेना है। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर सही लगता है तो हमें यहाँ सबसे नीचे आना होगा
और यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ लिख कर आ चुका है वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि जो हमने ITR 1 के अंदर डिटेल भरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। अब इस रिटर्न को हम फाइल कर सकते हैं। तो इससे फाइल करने के लिए हमें यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद इस रिटर्न को आधार OTP द्वारा या UVC द्वारा वेरीफाई कर लेना होगा और अपने रिटर्न को फाइल कर देना होगा।